आप लोग ये इमेजिन करके देखिए कि कैसा होगा अगर बिल गेट्स आपको ये कहे कि आज से मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, या वॉरेन बफेट आके कहे कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कौन सा शेयर खरीदना है, या जेफ बेजोस ये कहे कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ ऑनलाइन चीजें कैसे बेचते हैं, या सचिन तेंदुलकर तुम्हें क्रिकेट की कोचिंग देने के लिए तैयार हो जाए, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, पर हम लोग काफी लकी हैं कि हम लोगों के पास इन सब की लाइफ जर्नी, स्ट्रगल, परसिस्टेंस और एक्सपीरियंसेस की बुक ऑनलाइन और लोकल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल, जिनको पढ़ के हम अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिंदगी बहुत छोटी है खुद सारी गलतियां करके सीखने के लिए, उससे अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें और वो सेम गलतियां दोबारा न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, फोटोग्राफर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या क्रिकेटर है, आप सबके मतलब की बुक आसानी से आपको मिल जाएंगी। वॉरेन बफेट जो कि इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, अभी भी दिन में 500 पेजेस रीड करते हैं। उनका मानना है कि पढ़ने से नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है, मतलब तो आपको पता ही है ब्याज के ऊपर ब्याज। बिल गेट्स एक साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क ने खुद को रॉकेट बनाना किताबों से ही सिखाया। मार्क जुकरबर्ग जो अपनी सफलताओं का क्रेडिट ही रीडिंग को देते हैं, उन्होंने 2015 में एक बुक क्लब भी बनाया था जिसका उद्देश्य था 2 हफ्तों में एक किताब को पढ़ना। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कर लेते हैं लोग इतनी रीडिंग, तो मैं आपको बता दूं कि रीडिंग इन सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, टॉप प्रायोरिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो किया तो मैं भी क्यों करूं, है ना। इस बात को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बुक्स पढ़ने के 6 फायदे और इस हैबिट को कैसे एक्वायर कर सकते हैं उसके 5 स्टेप्स भी बताऊंगा, जिसे आप आज से ही बुक पढ़ना शुरू कर दें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल में पहली बार आया है, इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला, रीडिंग आपकी वोकैबुलरी और नॉलेज को एक्सपेंड करता है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था, रीडिंग आपके नॉलेज को कंपाउंड रेट से इंक्रीज करता है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपकी नॉलेज एड ऑन होती जाएगी। इसके अलावा रीडिंग आपकी वोकैबुलरी को भी बहुत बढ़ाता है। आप जितना पढ़ेंगे आपकी वोकैबुलरी उतनी ही बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन में बेहतर शब्दों का प्रयोग करके लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। आपने देखा होगा, अगर आप कोई नए लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो टीचर या गाइड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने की सलाह देते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो सके। दूसरा, ये आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करता है। जिस तरह आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसी तरह रीडिंग एक एक्सरसाइज है आपके दिमाग के लिए। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपका दिमाग उन सब चीज़ों को इमेजिन करने लगता है। रिसर्चर्स ने भी पाया है कि रेगुलर रीडिंग आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करती है, आपको अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी दिमाग से रिलेटेड बीमारियों से भी बचाती है। मैं आपको बता दूं कि अल्जाइमर और डिमेंशिया वो बीमारियां हैं जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। तीसरा, रीडिंग आपके फोकस और स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इस सोशल मीडिया के टाइम में फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। एक ही समय में आप ईमेल का रिप्लाई भी कर रहे होते हो, गर्लफ्रेंड से चैट भी कर रहे होते हो और फेसबुक पर ये भी देख रहे होते हो कि किसने क्या पोस्ट किया है। आप समझते हो कि ये मल्टीटास्किंग है, पर ये सिर्फ आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है क्योंकि आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन किताबें आपको एक टॉपिक पे बांध के रखती है जिससे आपका फोकस इम्प्रूव होता है। आपको यकीन नहीं होता तो एक दिन में सिर्फ 20 मिनट रीडिंग करके देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। चौथा, रीडिंग आपके सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। जैसे कि अगर आप कोई मिस्ट्री बुक पढ़ते हो तो एंडिंग से पहले ही आप उस मिस्ट्री को अपने इमेजिनेशन से काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि रीडिंग करते हुए आप किसी भी स्टोरी की डीप में चले जाते हो और हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन को नोटिस करते हो। इसके अलावा रीडिंग आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे आप उस टॉपिक पे अपने इन्फॉर्म्ड विचार एक्सप्रेस कर सकते हो और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो। पाँचवा, रीडिंग आपको इमेजिनेशन का वो पंख देता है जिससे आप अपनी बिजी लाइफ से कुछ वक्त निकालकर आसानी से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल सकते हैं। रीडिंग से आप वो सब इमेजिनेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। छठा, आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, रीडिंग आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है और अच्छी वोकैबुलरी राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा किताबें पढ़ने से आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, जिससे आपकी राइटिंग ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो पाएगी। डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़ के हम उन ऑथर्स की राइटिंग स्किल से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल भी सुधार सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रीडिंग है तो बहुत ज़रूरी, पर ये आदत डाली कैसे जाए? तो मैं आप सबको 5 तरीके बताता हूँ जिससे आप रीडिंग को आसानी से अपनी आदत बना पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। पहला, कम से स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रीड नहीं करना है, आप सिर्फ 10 पेज या 5 पेज से शुरू कर सकते हैं, कि रोज़ पढ़ना जरूरी है। सपोज कीजिए अगर आप रोज़ के 10 पेज पढ़ते हैं तो एक साल में आप 3,650 पेजेस पढ़ लेंगे। इसका मतलब है कि आपने पूरे साल में 200 पेजेस की 18 किताब पढ़ ली है। आपको क्या लगता है, अगर आपने सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशन पे 18 किताबें अगले एक साल में पढ़ ली तो क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में? दूसरा, रीडिंग के लिए एक टाइम सेट कीजिए। आप 15 मिनट किताबें पढ़ते हैं या 3 घंटे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम सेट कर लें जिस टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा, हमेशा अपने पास बुक रखिए।
अगर आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आपके पास बुक्स हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप ट्रैवलिंग में, वेटिंग टाइम में, किसी भी टाइम जब भी आपको वक्त मिले आप पढ़ सके। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है ई बुक्स ऐप्स। और अगर आप उस वक्त नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक्स भी ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चौथा, सोने से पहले पढ़िए। रिसर्चर्स का मानना है कि सोने से तुरंत पहले हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं और रीडिंग के बाद हमें नींद भी अच्छी आती है, इसलिए रात में पढ़ने की आदत काफ़ी फायदेमंद हो सकती है आपके लिए। और रोज़ एक ही टाइम में रीडिंग करने से आप ये आदत आसानी से एक्वायर भी कर सकते हैं। पाँचवा, हर बुक को कुछ टाइम दीजिए। आप किसी भी बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ टाइम पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे और वो बुक आपके इंटरेस्ट में नहीं है तो वो चेंज कर दीजिए। आपका रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ने में कीजिए। ये थे वो 5 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आज से ही आप किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें लिख के बताइए आज तक आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।